हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ज़ारा वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। तो गाइस, आप लोगों को याद होगा कि मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट डाली थी, बट उसको बहुत दिन हो चुके हैं। और जब मेरा बेबी हुआ था, जब मैंने वो पोस्ट डाली थी, बेबी से रिलेटेड क्यू एन ए बनाते हैं, और आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे बेबी से रिलेटेड। बट मैंने उससे पहले एक वीडियो बना दी जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें तो उसी में बता दी। तो यहाँ पे आई बटन पे मैं लगा दूँगी, अगर आप देखना चाहते हो तो, या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और अभी भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे, इंस्टाग्राम पे भी मैंने आज ये डाला है कि आस्क मी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन पूछना चाहता है मुझसे। तो कुछ प्रेगनेंसी से रिलेटेड हैं, कुछ यूट्यूब से रिलेटेड हैं, कुछ बहुत सी चीज़ें हैं उसमें। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन हैं। अपने बेबी को 6 वीक्स वाले टीके नहीं लगवाए अभी तक, ये फर्स्ट क्वेश्चन आया है। बट अभी नहीं लगे उसको, अभी उसको लगेंगे। यार मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है सच बताऊँ तो, क्योंकि यार इंजेक्शन से मुझे इतना डर लगता है, मेरा बच्चा इतना रोएगा, यार बहुत ज़्यादा डरावनी सी बात है ये। और मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा रोने वाली हूँ जब उसको टीका लगेगा, क्योंकि बहुत छोटा है यार, बहुत रोएगा। उसके बाद बेबी का वेट कितना है, एंड आपका वेट कितना था जब आपकी डिलीवरी हुई थी? तो जब मेरी डिलीवरी हुई थी, मेरा 70 में सिर्फ 2 कम वेट था, बहुत ज़्यादा वेट था मेरा, और अभी भी वेट है ही मेरा। वैसे एकदम से कम हो जाता है डिलीवरी के बाद वेट अभी, लेकिन मैंने नहीं पता, क्योंकि अभी कहाँ, मेरे पास मशीन भी नहीं है वो वाली जिससे वेट तोलते हैं। तो जब था मेरा, और बेबी का वेट 3 kg। जब से इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं बेबी का वेट, बेबी का वेट, मैं हर वीडियो में, बहुत सारी वीडियो में बता चुकी हूँ 3 kg 3 kg। अब बस मैंने ये लास्ट क्वेश्चन में बताया इस वीडियो में, तो 3 kg जब वो हुआ था, और सोनोग्राफी में भी उतना ही आया था, आप लोग पूछ रहे थे ना सोनोग्राफी में, तो यही था 3 kg। और आपको सी सेक्शन डिलीवरी के बाद कितने दिन तक पेन रहा? मुझे 10 दिन तक बहुत ज़्यादा पेन में थी मैं, और 10 दिन के बाद मैं ठीक होने लगी थी। मैंने एक वीडियो बनाई है कि मैं कब ठीक हुई थी, वो आप देख लेना। भोपाल में करोद में कहाँ रहती हो? मैं भोपाल में करोद पे रहती हूँ, और एड्रेस मेरा लीक हो जाएगा, मैं नहीं बता सकती। और मैं वैसे करोद पे रहती हूँ, आप सबको पता ही होगा। और दूसरा है, आप बेबी को कौन सा फीड देते हो? मैं बेबी को अभी लैक्टोजन का दे रही हूँ, और यही बहुत ही अच्छा है, डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, तो ये वाला काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इससे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। और वैसे एक्सपेंसिव तो है मेरे लिए, क्योंकि मैं रेंट के घर में रहती हूँ, आप सबको पता है, और सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं कभी कभी तो। अच्छा, और फिर बहुत सारे क्वेश्चन ये हैं, आपकी शादी के कितने साल बाद आपको बेबी कंसीव हुआ था? तो मुझे शादी के 3 साल बाद, मैं ये नहीं था कि कंसीव हुआ था, बस मैं चाहती नहीं थी बेबी, और अभी आ गए हैं, 3 साल हो चुके हैं अब तो शादी को मेरी। तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, आपको सी सेक्शन, अरे यार यही सेम क्वेश्चन पूछे। योर बेबी करेंट वेट, तो अभी ये मस्त 4 kg का तो हो गया होगा आई थिंक, क्योंकि जब हम डॉक्टर के पास गए थे इसको दिखाने, तो 3.5 का था जब, अब शायद बढ़ गया हो या कम हो गया हो, मुझे नहीं पता, हो सकता है, क्योंकि अभी करेंट वेट मुझे नहीं पता। लव स्टोरी कब आएगी YT पे? लव स्टोरी मैं बता चुकी हूँ, लव स्टोरी मैंने शेयर की है, आप लोग देख सकते हो मेरे चैनल पे। ये वाले क्वेश्चन थे, ये मैंने इंस्टाग्राम से उठाए थे। तो अब मैं यूट्यूब पे जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था उसके क्वेश्चन देख लेती हूँ, उसके क्वेश्चन उठाती हूँ अब। आपका प्लेसेंटा पोजीशन क्या था? आपको बेबी किस साइड फील होता था? तो मेरा प्लेसेंटा पोजीशन इंटायर था, और बेबी राइट साइड पर फील होता था, ठीक है। न्यू बॉर्न बेबी फ़ोटोशूट क्यों नहीं कराया आपने? क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मतलब पैसे वाली बात नहीं, ध्यान नहीं रहा, कराना चाहिए था, बट उस टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा मतलब पेन में थी। और बात पैसों की भी है, क्योंकि फ़ोटोशूट में खर्चा भी आता है, और मोबाइल से हम लोग करते, वैसे किया है, लेकिन वो इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता था, बहुत ज़्यादा दुबला था, तो मोबाइल से भी उसकी इतनी अच्छी फ़ोटो नहीं आती थी उस टाइम पर, तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया, बहुत ज़्यादा पेन में थी, तो यही सब चीज़ें हैं। और इतना ज़्यादा ध्यान, मैं पेन में थी, और इनके पापा तो ऐसे ही हैं, किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देते।
काम वाली बाई रख लो, 3 मंथ रेस्ट ले लो। यार मैं नहीं रख सकती, मैं बता चुकी हूँ। और अब तो ठीक हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है अब ठीक हूँ, क्योंकि पहले कुछ नहीं होता था। ऑपरेशन के बाद कैसे मैनेज किया और डिलीवरी एक्सपीरियंस शेयर करो वीडियो में। ऑपरेशन के बाद सारी चीज़ें मैंने खुद ही मैनेज करी, क्योंकि यार कोई भी दर्द आपको तकलीफ़ होती है तो वक्त हर चीज़ को भर ही देता है यार। क्योंकि आपको किस वीक में ऑपरेशन करे, 40 वीक्स मेरे कंप्लीट हो गए थे, मुझे लेबर पेन नहीं आया था, मैंने बता दिया था। और इसीलिए मुझे डायरेक्ट हॉस्पिटल में गई थी, जब ही तब मेरा सी सेक्शन नहीं हुआ था, डायरेक्ट पहले नॉर्मल की कोशिश की गई थी। मैंने शेयर किया है यार, आप लोग व्लॉग्स देखते नहीं हो इसलिए इतने सारे सवाल करते हो। बेबी की नाल कितने दिनों में सूख कर गिरा था। बेबी की नाल उसकी 6 या 7 दिन में गिर गई थी। ओके, तो आपका बेबी बम बिग था या स्मॉल? बहुत ही छोटा बेबी बम था मेरा। और बेबी का नाम किसने सोच कर रखा है पहले? मैंने ही रखा, क्योंकि मैंने पहले से ही सोच के रखा था कि लड़की हुई तो हानिया नाम रखूंगी, और लड़का हुआ तो हमदान रखूंगी। तो बॉय हुआ तो मैंने हमदान रख दिया, और हानिया नाम भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, और मैंने पहले से ही सोच के रखे थे ये नाम। और उससे पहले मैंने इर्जा सोचा था, बट उसके मायने अच्छे नहीं होते। और फिर अरहान भी सोचा था, बहुत से नाम सोचे थे। मैं जब से मैं प्रेग्नेंट हुई थी, मैं सिर्फ नाम ही सोचती रहती थी, क्या रखूँगी क्या रखूँगी। लास्ट में पता चला कि मुझे कुछ भी नाम समझ में नहीं आ रहा था, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई थी। डिलीवरी के बाद तक मैं यही सोच रही थी कि क्या रखूँ, लेकिन फिर फाइनली हमदान नाम रखा हमने इसका। अपनी प्रेगनेंसी से डिलीवरी तक की स्टोरी शेयर करो। मैं प्रेगनेंसी मेरी इतनी कोई वो नहीं थी, और मैंने एक वीडियो बनाई है कि बेबी सिम्टम्स, मेरे बेबी बॉय के सिम्टम्स क्या थे। तो वो वीडियो में आप लोगों को थोड़ी बहुत प्रेगनेंसी जर्नी भी पता चल जाएगी, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें मैंने प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी बताई हैं। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, और डिलीवरी की स्टोरी मैंने अलग वीडियो में शेयर की है, वो भी आप देख सकते हैं। दोनों वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। हाँ, अपने ससुराल के कलेश बताओ, यानी लड़ाई क्या हुआ था जो आप अलग हैं? अल्लाह, मतलब यार आप लोग भी कैसी कैसी बातें करते हो। ऐसा कोई वो नहीं हुआ था, कलेश मलेश छोड़ो यार ये क्वेश्चन। ओके, तो आपको बेबी मोमेंट किस मंथ में स्टार्ट हुआ था? मुझे हुआ था 5 महीने से, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ था। मुझे हो नहीं रहा था, बेबी का कोई भी फील नहीं होता था, तो मैं डर रही थी कि मुझे क्यों नहीं होता। लेकिन किसी किसी को लेट होता है, लेकिन 3 मंथ से हो जाता है वैसे तो, लेकिन मुझे बहुत टाइम लग गया था तो मैं डरती थी। आपको बेबी होने से पहले बैक पेन होता था? हाँ, बहुत ज़्यादा होता था, कमर में दर्द मेरी बहुत ज़्यादा। 9th मंथ में एक दिन में बेबी कितने बार मूवमेंट करता था? दिन में तो नहीं, रात में बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता था। दिन में जब मैं लेटती थी, सोती थी, जब करता था, मतलब जब भी मैं रेस्ट लेती थी, जब भी वो मूवमेंट करता था। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप चलते फिरते हो तो बेबी को झूला टाइप का मिलता है, तो बेबी सो जाता है, और जब आप लेटते हो तो बेबी हलचल करने लगता है आपके पेट में। आपको यही चीज़ नोटिस करना, आप कभी भी लेटोगी तो आपको बहुत ज़्यादा बेबी मूवमेंट्स फील होगा, और जब आप चलोगी फिरोगी तो इतना ज़्यादा नहीं होता। ज़्यादा आपका बेबी किस पर गया है? और हाँ, आपके पास कोई नहीं है इस टाइम पर? मेरा बेबी समीर पर गया है, और यस मेरे पास कोई नहीं है इस टाइम पे। और आपका सी सेक्शन क्यों हुआ? मैंने ही सी सेक्शन का बोला था डॉक्टरों से, इसीलिए मेरा सी सेक्शन हुआ। ठीक है, समीर खुद का। ज़ारा, तुम्हें अभी बेबी नहीं करना चाहिए था, ये तो एंजॉय करने का टाइम है। तुम्हारा समीर खुद तो बाहर जाकर मज़े करता है, और तुमसे वो बच्चे संभलवाएगा। ऐसा कुछ नहीं यार, वो भी बहुत ज़्यादा संभालते हैं बच्चे। और रही बात बेबी नहीं करना चाहिए था, लाइफ एंजॉय करना चाहिए था, तो हाँ ये बात आपकी सही है। बात ये है कि आजकल किसी के भी बेबी टाइम पे नहीं हो रहे, मतलब बहुत प्रॉब्लम आ रही है कंसीव करने में। इसीलिए मैं डर के मारे मैंने ये सोचा कि पता नहीं आगे क्या होगा, एक बेबी तो होना ही चाहिए इसीलिए। और फिर आगे का अब तो सोचना ही नहीं है। ओके, तो फ्री हो गए बस एक।
ज़ारा तुम किसी और से शादी कर लो अब, है ये क्या है, कर लो अब, छोड़ दो बेबी और समीर को, किसी अमीर लड़के से शादी कर लो। ओ माय गॉड, अल्लाह पाक, कैसे मतलब लोग हैं यार, क्या क्या बोल रहे हैं, मतलब ये किस टाइप की बात है, कुछ भी फालतू, इसका मतलब क्या ही बोलूं, हेटर होंगे कोई। जैसे तुमने समीर को उसकी माँ से अलग किया है, अगर ऐसा तुम्हारा बेटा कोई अलग करे तो कैसा लगेगा तुम्हें, जल्लाद औरत, बता अगर हिम्मत है तो। कि देखो, मैंने सबसे पहले तो किसी भी बेटे को उसकी माँ से अलग नहीं किया है, और रही बात मेरे बेटे की, अभी वो बहुत ज़्यादा छोटा है, और अगर वो अपनी वाइफ के साथ अलग खुश रहना चाहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे, कि वो बस मैं ये चाहूँगी कि वो जहाँ पर भी रहे खुश रहे, अगर वो अपनी वाइफ के साथ खुश है अलग, तो फिर वो मुझे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और बात ये नहीं है, बात ये है कि अलग हम लोग इसीलिए हुए थे कि मतलब रेंट के घर में, वहाँ पे रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था, और इसीलिए हम लोगों को अलग रूम दिलाया गया था कि हम लोग सुकून से अलग रह सके, इसीलिए अलग हो गए यार। ऐसा नहीं है कि कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था या मैंने उसकी माँ से उसको अलग किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। समीर अपनी मर्ज़ी से हैं और वो भी सब खुश हैं, ऐसा नहीं है कि मैं जल्लाद औरत हो गई या मैंने कुछ गलत किया। और रही बात मेरे बेटे की, तो वो अभी बहुत ज़्यादा छोटा है, कोई कुछ बोलता है वो मुझे बुरा लगता है, लेकिन हाँ मैं इसको अलग, अगर ये रहना चाहेगा तो मैं भी खुश रहूँगी, बस इससे मिलने चली जाया करूँगी अगर हुआ अलग जैसे तो लाइफ में, क्योंकि आजकल का टाइम वो है कि कोई भी बहू साथ में नहीं रहती, लेकिन मैं अगर उसको बहुत ज़्यादा प्यार दूंगी और इसके बाद अगर मेरा कोई भी बेबी नहीं होगा, यही अकेला रहेगा, तो फिर तो बात ही अलग होगी, क्योंकि दो बेबी तो होने ही चाहिए, इसके अलावा मेरी नज़र में तो वैसे एक ही बेबी ठीक है, क्योंकि फिर ये होता है ज़्यादा बच्चे होते हैं तो फिर लड़ाई झगड़े, अलग होना और ये सब होता ही है, फिर फैमिली उस टाइप की नहीं रह जाती। लेकिन हाँ, माहौल से होता है, अगर आप बड़ी फैमिली भी है और अच्छा माहौल है तो भी सब साथ में ही रहते हैं, लेकिन ठीक है। अच्छा, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग अपने बेबी को फ्यूचर में क्या बनाना चाहोगे? तो अभी तो बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन हाँ अगर ये जो बनना चाहे तो बन सकता है, लेकिन मैं इसको बिजनेसमैन बनाना चाहती हूँ, मतलब अपनी दिली ख्वाहिश यही है कि बिजनेसमैन होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस करवाना चाहती हूँ उसको, जगह जगह इसके मॉल्स हों और बहुत सारी चीज़ें हों इसकी। बाकी ये अगर नहीं बनना चाहेगा, इसको कंटेंट क्रिएटर बनना पड़े, यूट्यूबर बनना हो, उसको जो बनना हो वो खुद बन जाए, उसको मैं ये नहीं कहूँगी कि तुम्हें यही बनना है, इसको फोर्स नहीं करूँगी, इसको जो बनना है वो बन सकता है। सच सच बताना, तूने दो परिवारों में कैसे फूट डाली? मैंने कोई फूट नहीं डाली किसी भी परिवारों में यार, मतलब कुछ भी, पता है मैं इसको संभालती हूँ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, रात भर में सो भी नहीं पाती हूँ इसको संभालने में बहुत ज़्यादा। एक बार की स्टोरी में बताना चाहूँगी मैं, ये मुझे कोई हेट मत करना या फिर कुछ गलत वे में मत लेना, बस एक बार मैं झांसी जा रही थी पता है ट्रेन में, तो मेरा भाई मुझे लेने आया था, और मैं बैठी थी सीट पे, विंडो सीट पे, और सामने एक अंकल बैठे हुए थे जो, और बगल में बहुत सारे लाइन टू लाइन बच्चे बैठे थे, छोटे फिर उससे छोटे फिर उससे बड़ा, और एक आंटी बैठी थी वो प्रेग्नेंट थी, उनका एक साल का बेबी यहाँ हाथ में था, और वो फिर से प्रेग्नेंट थी, और जो बच्चे लाइन से बैठे थे सात बच्चे थे टोटल, आठवां उनकी गोदी में था और नौवां उनके पेट में था, तो वो सब उन्हीं के बच्चे थे, और उनके हस्बैंड उनके बगल में बैठे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, और मैं ये नहीं कहूँगी मतलब बस एक बात बता रही हूँ, तो वो जो सामने जो पढ़े लिखे अंकल बैठे थे वो उनको समझा रहे थे कि आपकी वाइफ की हालत तो देखो इनसे, मतलब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी, वो फिर से डिलीवरी उनकी होने वाली थी, और आप सबको पता है कितना ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है और चीज़ें, और इतने सारे बच्चे उनके, तो उन्होंने बहुत बहुत ही प्यार से उनको समझाया कि प्लीज़ ऐसा ऐसा मत करो इनके साथ, क्योंकि वो मतलब उनकी डेथ भी हो सकती थी, इतनी बुरी उनकी कंडीशन हो रही थी, तो उन्होंने समझाया बहुत ही प्यार से कि देखो अगर आप एक बेबी करती तो उस पे पूरा फोकस करती हैं, आज आपकी जो हालत है वो इसी वजह से कि आप इतने सारे लाइन टू लाइन करती जा रही हैं, मतलब तो उन
क्योंकि जो उन्होंने इतना ज़्यादा समझाया, उन्होंने बोला मैं 40-50 हज़ार रुपये महीना कमाता हूँ और तब भी मेरी 3 जन है फैमिली में, उसके बाद भी मतलब कम पड़ता है, और आप लोगों के इतने सारे हैं तो आप एक साथ इतने सारे बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, और आपका तो इतना काम भी नहीं इतना अच्छा, क्योंकि वो पढ़े लिखे भी नहीं थे। तो उन्होंने इतना समझाया, और फिर मुझे ये लगता है कि अगर इतने सारे बच्चे हैं किसी के, तो वो मतलब उस तरीके से वो प्यार नहीं दे सकता उन बच्चों को, मतलब एक साथ इतने सारे बच्चों को प्यार वो नहीं मिल सकता। क्योंकि आज मैं हूँ जैसे, तो मुझे एक बेबी में भी ये लग रहा है कि मैं उसको कैसे करूँ, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन भी होती है, क्योंकि रात भर में जगती रहती हूँ, उसको संभालती हूँ, और बहुत ज़्यादा फिक्र होती है इसकी मुझे। जैसे कि अभी मैं इसको फुल कंफर्ट में रख रही हूँ इसको, और बहुत ही अच्छे से मैं इसकी केयर कर पा रही हूँ, और अगर यहीं पे मेरे मतलब मेरा एक और छोटा बेबी होता जो 1 साल का होता, तो मैं इसकी इतने अच्छे से केयर नहीं कर पाती, क्योंकि फिर मुझे उसकी भी केयर करना होती है। इससे बड़े बेबी में थोड़ा गैप ज़्यादा होना चाहिए, और उसके बाद भी मैं यही कहूँगी कि 2 बेबी से ज़्यादा बेबी होना बेकार है, क्योंकि आजकल का टाइम वो नहीं है। मतलब पहले ऐसा होता था कि बहुत सारे सारे बच्चे होते थे, और सब मतलब कुछ भी नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे हैं, हमने तो इतने किए, हमने तो इतने किए, तो पहले सर्वाइकल रेट भी इतना नहीं था, मतलब एक एक घर में 10-10, 15-15 बच्चे होते थे, उनमें से 2-3 तो मतलब ऐसी चीज़ होती थी, क्योंकि उस तरीके से वो केयर नहीं मिल पाती थी बच्चों को, तो ऐसा होता था। आप और मैं तो मैंने ऐसा नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं खुद 4 बच्चे हैं मेरी मम्मी के, और मैं उनमें से एक लड़की हूँ, 3 लड़के हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है 4 बच्चों की भी केयर कर सकते हैं, वो अपनी हिम्मत के ऊपर भी होता है कि आपके ऊपर कितनी वो है। लेकिन बस ये है कि आजकल के टाइम में तो 2 से ज़्यादा आजकल के टाइम में, क्योंकि आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, और बेबी की केयर करना बहुत ही वैसी बात है, क्योंकि पूरे एफर्ट्स में इस पे लगा रही हूँ अभी। अगर आप बहुत सारे बेबी होते हैं तो यही होता है, और बड़े होके भी उनमें लड़ाई झगड़े और बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। आई होप मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे। अब मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय गाइज़।